यूपी के कन्नौज में होमगार्ड विभाग द्वारा गंगा जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के 3 मंत्री अर्चना पांडे, संदीप सिंह और अनिल राजभार ने हिस्सा लिया। वहीं सभी ने कलश पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें गंगा को स्वच्छ रखने के कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर जागरूक किया गया। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस आयोजन के दौरान राज्य मंत्री अनिल राजभार ने क्या कहा। सबसे बड़ी समस्या होमगार्ड्स की ड्यूटी की थी, उसको खत्म करने जा रहे हैं। 2-3 महीना के अंदर होमगार्ड्स के हर जवान को रेगुलर ड्यूटी की व्यवस्था कराई जा रही है और इस वित्तीय वर्ष में थोड़ा अपने जो हम लोगों ने किसान भाइयों को का जो हम लोगों ने कर्ज माफ किया, 36,000 करोड़ अतिरिक्त भार पड़ा है उसकी वजह से नहीं, अगले वित्तीय वर्ष में आप देखेंगे हम लोग इनका बहुत मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं। और अभी इंसास राइफल की हमने ट्रेनिंग कराई, अभी जो 303 की राइफल PSC की रख दी गई है, हमारा प्रयास है कि हमारे जवान जो मस्कट लेकर चल रहे हैं उनकी जगह वो 303 की राइफल लेकर चले, इंसास राइफल लेकर चले। पंजाब के अंदर वहाँ का होमगार्ड्स का नौजवान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान पर जो सरहद है, जो सीमा है, देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। उसी तरीके से हम योजना बना रहे हैं कि जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, भारत और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ पर भी हमारा होमगार्ड्स का नौजवान भारत की सीमा की रक्षा करते हुए आपको नजर आए। कार्यक्रम के दौरान गंगा में गंदगी फैलाने वालों को भी निर्देश दिए गए कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि गंगा को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। वहीं लोगों से गुजारिश की गई कि वो लोग ऐसा ना करें और दूसरों को भी नदी को गंदा करने से रोकें। SPN 9 न्यूज के लिए कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट।